हम लोग जो चिप्स जो खाते हैं, देखिए सिटी में वहाँ पे देखिए चिप्स वहाँ पे सूखने के लिए वहाँ पे रखे हुए हैं। और देख सकते हम लोग आटा खाते हैं तो ये उसका प्लांट है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे कितना सारा यहाँ पे सब गाड़ी यहाँ पे सब सेल लगा हुआ है। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी बेहतर होंगे। तो गाइज, आज का एक नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और गाइज, आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं पटना सिटी, और वहाँ का जितना जो लोकेशन, जितना वहाँ पे सीन, जो बीच बीच में जो आएंगे रोड पे जो रहेंगे, उस सब मैं आपको दिखाऊंगा। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग अभी पटना एम, जैसा कि कल का जो वीडियो था, कल के वीडियो में वही रोड पर हम हैं, क्योंकि लग के रोड में अभी थोड़ा सा जाम था रहता है, था मॉर्निंग का टाइम, इसलिए थोड़ा सा ये रोड से आ गए। तो और ये रोड हल थोड़ा सा ठीक रहता है उस रोड के मुकाबले, थोड़ा सा ट्रैफिक थोड़ा कम रहता है उसमें, कि तो ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो अब चलते हैं पटना सिटी, और जो जो बीच का जो लोकेशन रहेगा उस सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, और देख सकते हैं गाइस, ये मॉर्निंग का भी टाइम है, और देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है, क्योंकि ये रोड छोटा पड़ता है, और यहाँ पे जो बड़े बड़े जो गाड़ी हैं, जो ट्रक वगैरह, वो अभी आ जाते हैं। तो देख सकते हैं पूरा भी रोड पर जाम है, जो कि मॉर्निंग का 8 बज रहे हैं, 8 या 9 भी बज रहे हैं। तो ही सुशील प्लाज्मा है, जैसा कि आप यहाँ पे देखें, और अभी जो पठान मूवी है वो भी यहाँ पे लगी हुई है। तो यही है सिनेमा हॉल, और यहाँ का चार्ज भी काफ़ी कम है। आगे का क्या क्या सीन है वो सब मैं आपको दिखाता हूँ, जो रोड पे जो हो रहा है वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस चलते हैं, देखते हैं। और हम जाने वाले हैं बाईपास के तरफ से, तो वहाँ का सीन काफ़ी मस्त मस्त सीन है, बस वीडियो को आपको पूरा देखना है। और गाइस, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, क्योंकि मैं आना जाना दोनों को थोड़ा सा मैं कवर करने वाला हूँ। तो देखते हैं कि आए क्या। पर आपको बोर्ड लगा हुआ है, जहानाबाद, बतियापुर, मुकामा, राजगीर, बोध गया, जहाँ भी अगर आपको जाना है तो इस रोड से आप वहाँ पे जा सकते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाईपास जहाँ पे, और इधर आपको बेउर जेल भी आपको मिल जाएगा। अगर आप सीधे जाते हैं तो आपको बेउर जेल मिल जाएगा, अगर आप टर्निंग लेते हैं तो आपको बाईपास के तरफ आप एंट्री आप कर लेंगे। देख सकते हैं तो गाइस, देख सकते हैं यहाँ से हम लोग टर्निंग लेंगे। और गाइस, आप यहाँ पे कॉर्नर पे आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो का शोरूम है, जो कि बहुत पुराना है, महिंद्रा स्कॉर्पियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग ले लेंगे टर्निंग ले लेंगे। तो हम लोग आ गए बाईपास के रोड में, और देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जाम आपको मिल गया। तो गाइस, यही है बाईपास जहाँ पे पटना मेट्रो का काम, यहाँ पे यहीं पे पटना मेट्रो का बहुत जोर शोर से यहाँ पे काम चला हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ का व्यूज आप देख सकते हैं, काफ़ी शानदार। आपको दोनों तरफ से आपको सिर्फ बड़े बड़े अपार्टमेंट, हॉस्पिटल, शोरूम, बाइक का शोरूम, कार का शोरूम, सब आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। गाड़ी ही लग्जरियस है, क्रिस होंडाई। और देख सकते हैं यहाँ पे आपका रॉयल एनफील्ड यानी कि बुलेट का शोरूम भी आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सुधीर। देख सकते हैं यही गाइस होंडा का शोरूम है, और अभी तो और शोरूम है जो कि रोड के उस पार है, उस पार तो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, एक ही साइड में आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं ऊर्जा ऑटोमोबाइल, ऊर्जा TVS जो कि ओपन हो चुका है। देख सकते हैं ये आपका बजाज जो टेम्पू वगैरह होता है बजाज का, उसका शोरूम है। और आगे चलते हैं, और आगे मैं आपको हर एक तरह का शोरूम मैं आपको मैं दिखाता हूँ। आकाश बजाज यहाँ पे जो उनके ऑनर हैं, आकाश बजाज। और देख रहे हैं नीचे में गाइस KTM का शोरूम है, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा यहाँ पे सब गाड़ी यहाँ पे सब सेल लगा हुआ है। और ये देख सकते हैं बिना जनाब बिना हेलमेट के, जो कि पहने हाथ में लिए हुए हैं लेकिन पहन नहीं रहे। और ये गाइस देख सकते हैं किया का शोरूम, प्रेमा किया, काफ़ी हैवी, काफ़ी लग्जरियस शोरूम है।
देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे ओनली फॉर मेट्रो, पटना मेट्रो। काफ़ी पता नहीं कब स्टार्ट होगा, मुझे तो लगता है काफ़ी बहुत साल लग जाएंगे। और गाइस यहाँ से अब सिर्फ आपको यहाँ से हॉस्पिटल आपको स्टार्ट हो गया, हर एक तरह के आपको हॉस्पिटल आपको नए नए नाम से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आपको प्राइवेट हॉस्पिटल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़ोर शोर से यहाँ पे काम चल रहा हुआ, इधर मेट्रो का काम, इधर फ्लाईओवर का काम। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे जितने जो पिलर वगैरह सब वो बन के रेडी हैं, बस ऊपर का जो स्लाइडर होता है उसको सिर्फ रखना बाकी अभी। और बहुत तो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टोल बूथ है वो स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका बोर्ड लगा हुआ, वो जो ग्रीन टाइप का बोर्ड है वो लगा हुआ है ऊपर के साइड। और यहाँ से आपका टोल रोके जो बड़े बड़े जो गाय रहते हैं, जैसे मैं आपका कार वगैरह या ये जो बड़े बड़े जो ट्रक है तो उनका कुछ टैक्स होता है वो लोग पे करते हैं। लेकिन जो हम लोग बाइकर हैं, जो बाइक जो चलाते हैं या जो टेम्पो वगैरह जो टैक्सी वाले हैं, उन लोग का फ्री रहता है क्योंकि उन लोग का रोज का आना जाना रहता है। ये लोग बड़े बड़े हैवी गाड़ी हैं तो इनका जो टैक्स वगैरह जो रहता है तो वो इनको कुछ यहाँ पे करना पड़ता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका टोल बूथ आपका यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ से साइड से हम लोग यहाँ पे निकल जाते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कार वगैरह सब वहाँ से जा रहे हैं और टेम्पो वाले का और बाइक वाले का, हम लोग जो बाइकर हो गए हम लोग का यहाँ पे बिल्कुल फ्री रहता है क्योंकि हम लोग का यहाँ पे रोज का आना जाना है, हम लोग कितना यहाँ पे टैक्स पे करेंगे। और ये सब हैवी गाड़ी है, कहीं बाहर से कहीं गाड़ी आ रहा है तो जाँच वगैरह भी सब यहाँ पर हो जाता है। और देख सकते हैं उधर से आने के लिए वो रहा टोल बूथ और इधर से जाने के लिए जो पीछे का है वो रहा टोल बूथ। और गाइस फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं दीदी के घर, बस उनको वहां से ले जाना है और साथ में छोटी आयशा भी रहेगी तो उसको भी साथ में ले जाना है। तो फिलहाल हम लोग पहुँच चुके, बस थोड़ा सा और आगे है, बस यहां से तकरीबन 10 मिनट का और रास्ता है, फिर हम लोग वहाँ पहुँच के फिर तुरंत जाएँगे, तुरंत बैग पैक करके तुरंत अपने घर के तरफ लौट चलेंगे। जो रोड जाएगा ये देख सकते हैं, ये जो रोड जाएगा आपको ऊपर बोर्ड लगा फतवा खुशरूपुर बतियापुर मोकामा, ये रोड आपका चल जाएगा। तो जो हम लोग जो फैक्ट्री जो होता है आटा का, आटा मिल, चावल का, चिप्स का, कुरकुरे का, यहाँ पे सब आपको यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह सब आपको मिल जाएगी। और जितने जो ये सब जो गाय जो लगे हुए हैं सब फैक्ट्री में ही जाते हैं, फैक्ट्री से ये सब जो साइड में जो गाय जो लगे हुए हैं वो सब फैक्ट्री का ही गाड़ी है। तो आपको सब का यहाँ पे आपको फैक्ट्री वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और देख सकते हैं एक मंदिर है जय माता दी, मारूगंज बोलते हैं, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पे मार्केट लगता है और यहीं से जितना जो सामान जो जाता है पूरे बिहार में यहीं से सब जाता है आपको सिटी से, आपको खाने पीने से लेकर आपको हर एक तरह का आपको यहाँ पे सामान आपको अवेलेबल आपको हो जाएगा। और यहाँ बड़े बड़े जो व्यापारी लोग हैं बहुत बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जो आप जो गेट जो आप देख रहे हैं ये सब आपका फैक्ट्री है, जो हम लोग खाते हैं पीते हैं, जो हम लोग का आटा फैक्ट्री मिल फैक्ट्री सब आपको यहीं पे आपको मिल जाएगी। तो देख सकते हैं दोनों तरफ जो बड़े बड़े जो गेट है सब आपको फैक्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो फिलहाल गाइस हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं तो अब चलते हैं, फिर मैं आप चाय पियोगी चाय। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जो हम लोग जो चिप्स जो खाते हैं, देखिए सिटी में वहाँ पे देखिए चिप्स वहाँ पे सूखने के लिए वहाँ पे रखे हुए हैं। और देख सकते हैं ये आपका एक ठकुरबाड़ी का मंदिर है। और गाइस देख सकते हैं जो हम लोग आटा खाते हैं तो ये उसका प्लांट है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे, ये उसका पीछे का साइड है और वो भी जो करकट का है वो भी एक प्लांट है। और गाइस आप यहाँ का आप सीन देख सकते हैं, देख सकते हैं ये बंदर रोटी खा रहा है, इसको रोटी दिए रोटी खा रहा है, ये खाना ही खा रहे थे, देख सकते हैं ये रो भी ये रोटी खा रहा है।
से चलते घर पे। और गाइज अब मैं इस ब्लॉग को मैं एंड में करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबा ब्लॉग बन चुका है। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ये सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें क्योंकि इस तरह का जो अपडेट जो ब्लॉग रहेगा और डेली जो ब्लॉग रहेगा वो आपको मिलता रहेगा। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।